फरहान वो लेके नहीं आया, रेस्ट रख हुए। कहां तक पढ़ लिया था? हाँ, अरे पढ़ कहां तक लिया था ये बताओ। सोंग वंश कंप्लीट हो गया था? किस किस को देखा सोंग वंश में? पुष्यमित्र सोंग, अग्निमित्र सोंग, ठीक है। ये दो मुख्य राजा थे, सम्राट थे सोंग वंश के। सोंग वंश के पहले कौन सा देखा था? मौर्य, ठीक है। मौर्य के पहले नंद वंश, ठीक है। तो वो पूरी हायरार्की, वो पूरा एक चेन बना के चलना है, और उसको बीच में जब तक प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त ना हो, बीच में नहीं छोड़ोगे। मतलब एक एक जो डायनेस्टी आती गई उनको खत्म करेंगे, उसके बाद में अगली, उसके बाद में अगली, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा कहां से क्या, क्योंकि बाद में जब हम लोग इतिहास को जब रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं उसको, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा वंश कब आया, ठीक है। राजाओं के नाम याद रह जाएंगे, एक दो चार इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो याद रह जाएंगे, लेकिन वो जो सीरीज है उसको हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं सीरीज बाई सीरीज पकड़ के जिनका जो समय काल था, जिस हिसाब से वो चल रहे थे, डायनेस्टियां आई खत्म हुई फिर नहीं आई, उसी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो सोंग वंश हमारा हो चुका था, ठीक है। क्लियर है? अग्निमित्र सुंग तक हमने पढ़ लिया था, अब हाँ भागभद्र तक पढ़ लिया, ठीक है। अब एक एक दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि ये जो सुंग वंश था, इसको मुख्य रूप से कहा जाता है ब्राह्मण वंश। कौन सा वंश कहा जाता है? हाँ फुल करना है इसको, ठीक है। कौन सा वंश था ये? ब्राह्मण वंश के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। भागभद्र, उसके बाद में भी कई सारे राजा आए, और जो इस वंश का अंतिम जो शासक था, शासक था वो था देवभूति। अंतिम शासक कौन था? देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था, और इसकी हत्या वासुदेव नामक एक व्यक्ति ने कर दी थी, ठीक है। ध्यान रखना, क्या नाम है डायनेस्टी का? सुंग वंश। अब आपसे पूछ ले कि अंतिम राजा कौन था? देवभूति। हत्या किसने की थी? वासुदेव। और वासुदेव देवभूति की हत्या करके अब नए वंश की स्थापना करता है, उसका नाम था कर्णव वंश, ठीक है। तो कर्ण वंश का फाउंडर कौन होगा? कौन होगा संस्थापक? वासुदेव, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस नाम याद होना चाहिए कि सुंग वंश की समाप्ति कैसे हो। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो क्या अब सुंग वंश का अस्तित्व रहेगा? नहीं। अब कौन आ जाएगा उसकी जगह? कर्ण वंश।
कण्णव वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा। कण्णव वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? सुशर्मा। क्लियर है? सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी स्थापना करता है शिमुक। शिमुक जो होता है, जो सुशर्मा था कर्णव वंश का जो अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर देता है और जो मध्य प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र था उसको अपने अधिपत्य में ले लेता है और नए वंश की स्थापना हो जाती है। अब कौन सा वंश आएगा? सातवाहन। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? तो कहा जाए या पूछा जाए आपसे कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होगा? कौन होगा? ठीक है, शिमुक इसका फाउंडर होगा। शिमुक के बाद में जो अगला शासक आएगा वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन के राजाओं में जितने भी इसमें राजा है, सबसे प्रतापी राजा था ये, सबसे प्रतापी राजा या सबसे शक्तिशाली, जिसने अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। दूसरा चीज इसके कार्यकाल में यह हुआ था कि इसने सामंतवाद को चालू किया था। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लगाना इसको। सामंतवाद की शुरुआत किसने की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अर्थात अपनी जमीन जो थी, अपने राज्य की जो भूमि थी, उसको सामंतों को बांट दिया, फिर उनसे वो कर लेता था। तो सामंतवाद की शुरुआत किसने की? गौतमी पुत्र सातकर्णी। एंड थर्ड इसने क्या किया? ब्राह्मणों को भूमि देने का कार्य किया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सातवाहन वंश था, इसके समय काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व या उनकी जो उपाधि थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अच्छा, ले भाई ठीक है। अरे तो मैं भले पुत्री लिखा है लेकिन बोल तो पुत्र रहा हूं ना, उसमें क्या दिक्कत है? पुत्री लिख दिया तो क्या नाम था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या किया इसने? सामंतवाद की शुरुआत की, उसके साथ में ब्राह्मणों को भूमि देने का कार्य किया, और उसके साथ साथ इसने एक काम और किया था, और वो था क्या करते हैं? ठीक है, एक काम और इसने किया, इसने शीशे के सिक्के चलवाए। शीशे के सिक्के जो है अपने जो राज्य था उसमें चलवाने का काम किया। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्लियर है? ये तीन चार काम इसकी जो घटनाएं थी याद रखना। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद आता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है, इसके बाद में पुलुगामी भी आता है। किसके? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद। हमें उसके बारे में ज्यादा याद नहीं रखना क्योंकि उसका ऐसा कोई योगदान था नहीं। तो अंतिम शासक हम याद रखेंगे कौन? यज्ञश्री सातकर्णी। उसके बारे में एक ही लाइन याद रखना है, ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक, ठीक है। पूछा जाए सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन होगा? यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। संस्थापक कौन होगा? शिमुक, ठीक है। और मुख्य रूप से प्रतापी शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। याद हुई टेबल? एक चीज और याद रखना है इसमें कि ये जो सातवाहन वंश था ये मात्र सत्तात्मक वंश था, मात्र सत्तात्मक वंश था। अर्थात जो भी इसके राजा होते थे अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। समझ में आ रहा है? जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी,
तो नाम क्या हो गया रसासक का? सातकर्णी। लेकिन अपनी माता का नाम उसने अपने नाम के आगे लगा लिया, यज्ञश्री, ठीक है, सातकर्णी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो माता जो होती थी उनकी सत्ता होती थी, सत्ता से मतलब उनको प्राथमिकता दी जाती थी। तो इस वंश के, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस वंश के शासक अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, कौन सा वंश होगा? सातवाहन वंश। क्लियर है? एक छोटी सी चीज और याद रखना है इसके बारे में, या इसी के साथ में हमें याद रखना है, एक और छोटा सा वंश है आभीर वंश, कौन सा होगा? आभीर वंश, ठीक है, आभीर वंश। इसकी जो स्थापना या संस्थापक जो था, हा? संस्थापक ईश्वर सेन, आभीर वंश का संस्थापक कौन था? ईश्वर सेन। और इसकी अगर लोकेशन की बात करूं मैं, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, या जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का हिस्सा खानदेश, इस खानदेश में यह शासन करता था कौन? आभीर वंश। संस्थापक कौन था? ईश्वर सेन। समझ में आया कि नहीं? और ये जो वंश था आभीर वंश, ये समकालीन था किसके? सातवाहन वंश के। किसके समकालीन था? सातवाहन। समझ में आया कि नहीं? मतलब पश्चिमी उत्तरी मध्य प्रदेश में उस समय सातवाहन वंश शासन कर रहा था, तो दक्षिण में या खानदेश में कौन शासन कर रहा था? आभीर वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? ईश्वर सेन, ठीक है। ईश्वर सेन के बाद में एक और उसके प्रतापी राजा आते हैं, उनका नाम है आशा अहीर। क्या नाम आता है? आशा अहीर। इनके बारे में एक चीज याद रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है इससे, बुरहानपुर, बुरहानपुर में असीरगढ़ का जो किला है, असीरगढ़ के किले का निर्माण, समझ में आया कि नहीं? अब प्रश्न कैसे पूछेगा कि दक्षिण का प्रवेश द्वार कौन सा? दक्षिण में जाना तो किसको जीतना पड़ेगा? असीरगढ़ को जीतना पड़ेगा, ठीक है। अब असीरगढ़ किसने बनवाया? तो आशा अहीर ने बनवाया। किस वंश का राजा था? कौन से? आभीर, ठीक है। अब जो बुरहानपुर बड़वानी वाला जो क्षेत्र है, और महाराष्ट्र का उत्तरी वाला, उत्तरी पश्चिमी वाला क्षेत्र है, उसको कहा जाता है खानदेश, ठीक है। तो उस वाले रीजन में ये शासन करते थे। क्लियर? नोट डाउन करो। और किसके समकालीन थे? सातवाहन। हो गया, ठीक है। तो कितने देखे हमने? दो। पहला कौन सा? सातवाहन। दूसरा, ठीक है, कर्ण वंश के बारे में सिर्फ संस्थापक का नाम याद रखना। अगला आता है हमारा हिंद यूनानी शासन। हिंद यूनानी शासन मध्य प्रदेश में अगर बात करें, तो इसका दमित्रियस, दमित्रियस को संस्थापक माना जाता है। हिंद यूनानी वंश की स्थापना या संस्थापक किसे कहा जाता है? दमित्रियस। किसको? फिर से नाम बोलो। दमित्रियस, ठीक है, थोड़ा अटपटा नाम है इसलिए दिक्कत आएगी, फिर से बोलो कौन? दमित्रियस। किस वंश का संस्थापक होगा? हिंद यूनानी। फिर इनके बाद एक और बड़े प्रतापी राजा आते हैं, मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर, ठीक है। एक प्रश्न आपने कई बार देखा होगा, अगर जो पुराने एग्जाम दिए होंगे, ये टेस्ट सीरीज लगाई होगी, मिनांडर किसे के मध्य प्रदेश में कहां से मिलते हैं, आता है कि नहीं? ठीक है, तो उत्तर में क्या देते हैं हम? बालाघाट देते हैं कि नहीं देते? ठीक है, इसको भी देखेंगे अभी। तो मिनांडर की बात करें हम, तो सबसे प्रतापी या शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली राजा थे ये, सबसे शक्तिशाली राजा थे कौन से वंश के? हिंद यूनानी। यह हिंद यूनानियों में अगर हम बात करें, तो सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली राजा कौन होगा? कौन होगा?
ठीक है, मिनांडर, मिनांडर ने सिक्के चलवाने का प्रचलन चालू किया था और उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट से। साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बांग्लादेश, बालाघाट। कहां से मिलते हैं? बालाघाट, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है मिनांडर के सिक्के, मिनांडर के सिक्के। तो समझ जाना कि मिनांडर जगह का नाम नहीं है, मिनांडर किसका नाम है? राजा का नाम है। किसका नाम है? राजा का। कौन से वंश के? हिंदी उन्होंने। क्लियर है? इन्हीं के दरबार में एक कवि या एक विद्वान रहते थे, उनका नाम था नागसेन। नागसेन नाम था और ये बौद्ध धर्म के उस समय के बौद्ध धर्म के बड़े प्रसिद्ध गुरु थे। बौद्ध धर्म के क्या थे? बड़े प्रसिद्ध गुरु थे और इन्होंने ही मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी और बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दी थी। मतलब शिक्षा देने के बाद उसको जब अपनाने की इच्छा हुई मिनांडर के मन में, तो किसने दी उसकी दीक्षा? नागसेन ने। ठीक है, तो याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है यहां से। नागसेन कौन थे? एक बौद्ध धर्म के उस समय के बड़े क्या थे? महान संत थे, प्रसिद्ध क्या थे? दार्शनिक थे उस समय। और ये किसके दरबार में रहते थे? मिनांडर के, जो कि एक क्या था? हिंद यूनानी शासक था। इन्होंने ही बौद्ध धर्म की शिक्षा किसको दी थी? मिनांडर को। क्लियर है? वन नोट डाउन। ठीक है, तो धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि मिनांडर हिंद यूनानी ना होकर के फिर भारत में बस जाता है, उसके साथ साथ में फिर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। क्लियर? हो गया। नेक्स्ट वंश लिखो शक। शक शक वंश, ठीक है। कौन सा वंश आएगा? शक वंश। ठीक है, संस्थापक बोलू तो माउस, माउस या मेगा। संस्थापक किसको कहा जाएगा? माउस या मेगा को इसका संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अब चूंकि जो शक थे ये भारत के ना होकर के ये थे कहां के? विदेशी थे। ठीक है, विदेशी शासक थे और ये पश्चिम मध्य एशिया, पश्चिम मध्य एशिया, पश्चिम मध्य एशिया से आकर के भारत में बसे थे। स्थापना किसने की थी? माउस मेगा। क्लियर। शक वंश की दो शाखाएं थी, कितनी ब्रांचेस थी? दो थी। पहला जो शाखा था उसको कहा जाता था, ये जो रूल करती थी मथुरा, पहला कहां पे? मथुरा, एंड सेकंड विदिशा। क्लियर है? कितनी शाखाएं थी? ठीक है, पहला मथुरा और दूसरा विदिशा। ठीक है, इसी के साथ में विदिशा में ही शामिल था उज्जैन। तो अगर विदिशा देता है तो आंसर विदिशा लगाना, नहीं तो उज्जैन। तो शक मूलतः क्या थे? विदेशी आक्रमणकारी थे जो कि बाद में आकर के भारत में बस गए थे। शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले ये मध्य पूर्व पश्चिम मध्य एशिया से चलते हैं, उत्तरी वाला सिंध प्रांत था उसको जीतते हैं, उसके बाद में आ जाते हैं कहां? मथुरा। ठीक है, मथुरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हैं, फिर अपनी दूसरी ब्रांच बनाते हैं कहां पर? उज्जैन विदिशा में। क्लियर है? संस्थापक कौन था? माउस या मेगा। इनके बाद में आता रुद्र दमन। रुद्र दमन या किसी किताब में रुद्र दमन लिखा होगा। सबसे प्रतापी शासक था ये शकों का। क्या नाम था? रुद्र दमन। ठीक है, इसके होने के साक्ष्य में मिलते हैं जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में इसके होने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर है? इसके रुद्र दमन के। और
जितने भी शक राजा आए थे उनमें सबसे प्रतापी राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था रुद्रदमन। क्लियर? जूनागढ़, जूनागढ़ का नाम नहीं सुना? गुजरात, क्लियर? तो अभी तक कितने वंश देखे हमने? सबसे पहला देखा, ठीक है, सबसे पहले कौन सा देखा? सातवाहन। संस्थापक कौन था? शिमुक। संस्थापक कौन था? शिमुक। उसके बाद कौन आया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन आया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सबसे, हाँ मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये वाला देखो, इसका जो अगला जो प्रतापी शासक था उसका नाम था रुद्रदमन, ठीक है, क्या नाम था? रुद्रदमन। और इसके होने के साक्ष्य जो है वो हमें मिलते हैं जूनागढ़, जो कि गुजरात में है, वहां के एक अभिलेख से, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, सबसे शक्तिशाली शासक था और उसके होने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। तो कहां थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या विशेषता थी उसकी, क्या घटना है उसके समय काल में? सबसे शक्तिशाली शासक था। दूसरा, श्यामंतवाद की शुरुआत की। थर्ड, ब्राह्मणों को भूमि दान देने का कार्य किया। उसके बाद सीसी के, इसको अंडरलाइन करना, सीसी के सिक्के चलवाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने फिर उसके बाद क्या देखा? यज्ञ श्री सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का अंत, ठीक है। कैसा वंश था ये? पितृ सत्तात्मक था? नहीं, उसके जस्ट अपोजिट कैसा? मातृ सत्तात्मक, मतलब राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम का प्रयोग करे, ठीक है। अगला जो वंश आता है हमारा कुषाण, कुषाण वंश, ठीक है। देखना थोड़ा इसके बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक इसमें राजा आए हैं जिनका नाम हो सकता है आपने सुना हो, कनिष्क, ठीक है। तो उनके बारे में देखना है और थोड़ा उनकी भूमिका ज्यादा थी तो इसको समझने की जरूरत है। कुषाण वंश की हम बात करें तो ये यूची, कौन सी? यूची चंद्रमा जनजाति, ठीक है, चंद्रमा जनजाति के लोग थे। मूलतः कैसे थे ये? जनजाति कबीले वाले लोग थे। उस जनजाति का क्या नाम था? यूची, ठीक है। और कहां से आए हुए थे? मध्य एशिया से, मध्य एशिया से ये क्या किए थे? आए हुए थे। क्लियर है? कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजूल कदफिसेज, ठीक है, अच्छा नाम है ना। क्या नाम था? कुजूल, या किसी किसी किताब में फिजूल लिखा हुआ है, ठीक है, आप जैसा याद रखें, ठीक है। क्या नाम था? कुजूल कदफिसेज। ये था फाउंडर, संस्थापक था कौन से वंश का? कुषाणों का। क्लियर है? आपसे पूछा जाए कि कुषाण जो वंश था इसका संस्थापक कौन था? कौन था? कुजूल कदफिसेज। मूलतः कहां से संबंध रखते थे ये? कहां से? मध्य एशिया। अब मध्य एशिया मतलब, ठीक है, चलो अभी बता देंगे मध्य एशिया मतलब। अब इसके समय काल की एक घटना याद रखना, कुजूल कदफिसेज की, इसने बैक्टीरियाई शासक को हराया था। बैक्टीरियाई शासक को इसने पराजित किया और उसके बाद में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए ये भारत में एंट्री कर गया। अब बैक्टीरिया मतलब, हाँ, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था उस समय उसे कहा जाता था क्या? बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया या वर्तमान के अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था वहां के जो शासक थे उनको उसने पराजित किया, वहां पर कुषाण वंश की नींव रखी, तो वहां से फिर मध्य एशिया होते हुए, या वो भी मध्य एशिया में आता है, एंट्री करते हुए भारत में आया, जहां पर भारत में भी ये कुषाण वंश की स्थापना करता है। क्लियर है? तो बैक्टीरिया शासक को किसने हराया था? कुजूल
कदफिसेस। इसके बाद में इसका पुत्र राजगद्दी पर बैठता है, नाम था भीम कदफिसेस। क्या नाम था? भीम कदफिसेस। क्या नाम था? भीम कदफिसेस। अब ये अपना जो पिता था उसके काम को और विस्तृत करेगा और अपने साम्राज्य का और विस्तार करेगा, और अपने साम्राज्य को ये अब उत्तरी भारत में ना होकर कहां तक? मथुरा तक फैला देगा। किसने? कुषाण वंश का जो शासन था उसको मथुरा तक किसने फैलाया था? भीम कदफिसेस। किसने? भीम कदफिसेस। ठीक है, और अपने आप को इसने शिव भक्त घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? शिव भक्त घोषित कर दिया भीम कदफिसेस। क्लियर। भीम कदफिसेस के बाद आता है कनिष्क। अभी बताया था ना कनिष्क, ठीक है, नोट डाउन कर लो। कनिष्क, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। क्या नाम है अगले शासक का? कनिष्क। ठीक है, अब चूंकि अभी हम देखते आए हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, कुजुल कदफिसेस ने अफगानिस्तान को जीता, भारत में एंट्री की, समझ रहे हो ना, सिंध वाला जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां तक ये आ गया था। कौन? कुजुल कदफिसेस। उसके बाद में कौन आता है फिर? भीम कदफिसेस। अपने साम्राज्य को और नीचे नीचे मतलब भारत में फैलाता हुआ चला जाता है, कहां तक? मथुरा तक। ठीक है, उसके बाद इसका और प्रतापी जो शासक था वो था कनिष्क, और ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। उसके साथ साथ में कौशाम्बी, कौशाम्बी, वाराणसी, विदिशा, कौन कौन से क्षेत्र? कौशाम्बी, वाराणसी, विदिशा पर विजय प्राप्त करता है, और अपने इन तीनों जगहों को कहां पर मिला लेता है? अपने कुषाण वंश में शामिल कर लेता है। और जो कुषाण वंश था, ठीक है, अब चूंकि इसका क्षेत्र विस्तार हो चुका है, वहां से सिंध से लेकर के ये विदिशा तक आ चुका है, तो ये अपने जो राज्य था उसकी दो राजधानियां बनाता है। कितनी राजधानियां? दो कैपिटल बनाता है राज्य को चलाने के लिए। पहली जो राजधानी थी उसको घोषित करता है या पेशावर। क्लियर है, पहली राजधानी इसकी क्या होगी? ठीक है, ध्यान रखना, कनिष्क ने विदिशा तक या मध्य प्रदेश तक मुख्य रूप से विस्तार किसने किया था? किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान से रखना। और अब चूंकि क्षेत्र विस्तार हो चुका था तो एक राजधानी से चलाना पॉसिबल नहीं था, तो पहली राजधानी क्या बनाता है? ये पेशावर, जो कि अभी वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। और दूसरी राजधानी बनाता है ये मथुरा को। दूसरी राजधानी किसको बनाता है? मथुरा को। क्लियर है। अब इसके समय पर एक घटना होती है बौद्ध धर्म में। ध्यान रखना, अभी तक के जितने शासक आपने पढ़े हैं, बौद्ध धर्म काफी शक्ति के साथ, काफी प्रचार प्रसार के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन कनिष्क के समय एक घटना घटती है, और वो थी हमारे जो बौद्ध धर्म में उसके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। क्या होता है कि इसी के समय काल में होती है चौथी, क्या हुआ? अरे तुम लोगों को सब पता है, बौद्ध कहां गया? ये गए हटाई दें इसको। कनिष्क के समय में क्या होती है? चौथी बौद्ध संगति, ठीक है, चौथी बौद्ध समिति होती है, संगति होती है। उसमें क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म, इसमें क्या होता है, ये
एक तरीके से देखें तो पूरे बौद्ध धर्म की बड़ी सभा होती थी, जो भी उस समय के विद्वान जो होते थे बौद्ध धर्म के वो आकर के मिलते थे। ठीक है, तो अभी इसके लिए कोई ना कोई एक स्थान चुना जाएगा, तो स्थान चुना गया कौन, कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में उस समय किसका शासन था सोचो, किसका शासन होगा, किसका होगा शासन। इतना दिमाग क्यों लगा रहा है, जब बता रहा हूं सिंधु को जीत के आया, पाकिस्तान को जीता, मथुरा तक राज्य का विस्तार कर लिया, इसका मतलब जम्मू कश्मीर को तो पहले ही जीत लिया होगा उसने। ठीक है, तो किस सम्राट का संरक्षण प्राप्त हुआ बौद्ध समिति को, कनिष्क का। ठीक है, स्थान कौन सा चुना, कुंडलवन। समय कौन सा था, 78 ईस्वी। ठीक है, स्थान कौन सा, कुंडलवन। वर्तमान में किस राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे या इस संगति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वसुमित्र। ये कनिष्क का जो शासन था, ठीक है, उसके जो दरबार में बहुत सारे मंत्रीगण रहते हैं उनमें प्रमुख स्थान था किसका, वसुमित्र का। तो वसुमित्र जो थे इनकी अध्यक्षता में होती है चौथी बौद्ध संगति, और कहां पर, कुंडलवन में, कब होती है, 78 ईस्वी में। और इसमें क्या होता है, जो बौद्ध धर्म था वो दो शाखाओं में बंट जाता है। बौद्ध धर्म क्या होता है, दो शाखाओं में बंट जाता है, और पहली जो शाखा कहलाई वो थी हीनयान। पहली कौन सी शाखा और दूसरी महायान। ये इंपॉर्टेंट है, लगाओ 3 स्टार 5 स्टार जितने तुम्हें पसंद हो, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म का बंटवारा कहां हुआ था, चौथी बौद्ध, कहां पर हुई थी, कुंडलवन में। कब हुई थी, 78 ईस्वी। कब हुई थी, 78 ईस्वी में। क्लियर है, समझ में आया। अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र। ठीक है, तो बौद्ध धर्म कितने शाखाओं में बटेगा, दो, पहली कौन सी होगी, हीनयान, दूसरी महायान। क्लियर है। और यहां से जैसे ही बौद्ध धर्म बढ़ जाता है तो उसका फिर प्रभाव धीरे धीरे आने वाले समय में कम होता चला जाता है, और अभी तक कनिष्क के समय तक काफी प्रभावी रूप से पूरे जितने भी धर्म होंगे उनमें बौद्ध धर्म काफी प्रभावी रूप से प्रचार प्रसार कर रहा है। समझ में आया, क्लियर है। किस कारण दो भागों में बटा, सबसे बड़ा कारण होता है कोई भी चीज के या कोई भी धर्म के बंटवारे होने में, वो होती है क्या, विचारधारा। समझे, विचारधारा होती है कि नहीं। अब ये क्या होती है सर विचारधारा, तो जैसे कि मान लो हीनयान थे, ठीक है, ये जो उनके गुरु थे उन पर विश्वास करते थे, गुरुओं पर, ठीक है, उनकी बातों के कहे अनुसार चलते थे, निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ में मांस मदिरा जो था उसका सेवन कतई मना था इनके लिए। ठीक है, तो ठीक, तो इनके विचार ऐसे थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी उदारता वाले विचार किसके थे, महायान। इनका कहना था या इनके जो प्रतिनिधि होंगे उनका कहना था कि नहीं, आप मूर्ति पूजा में विश्वास कीजिए, ठीक है, इतने क्या बोलते हैं, इतने कठिन मत बनिए, थोड़ा उदारवादी बनिए। ठीक है, इनका विश्वास था मूर्ति पूजा में, इनका विश्वास था थोड़ा बहुत भाई अगर व्यक्ति को जरूरत लगती है तो मांस मदिरा जो है यूज कर सकते थे, लेकिन इनको उनकी चीज पसंद नहीं थी। ठीक है, घर में रहते हैं हम लोग तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ न्यारा होना, ठीक है, क्यों होते हैं न्यारे, अरे एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है, एक पिता के दो पुत्र हैं, समझ रहे हो, जब तक बन रही थी साथ में थे, हाँ तो वही तो यहां नहीं मिल रही, समझ गए, वही यहां नहीं मिल रही, लड़ाई हो उससे अच्छे पहले बढ़ जाओ भैया, ऐसा ही कहते हैं ना पिताजी, ज्यादा आती हो बात से पहले अपना अपना काम करो, संभालो, देखो। ठीक है, तो सेम कंडीशन ऐसी, जब विचारधारा नहीं मिलती है तो बंटवारा होता है, समझ में। तो क्या बता दिया था मैंने, चौथी बौद्ध संगति, ठीक है, किसके काल शासनकाल में हुई थी, कनिष्क। ठीक है, एक दो चीज और याद रखना है इसके शासनकाल की, कि इसने 78 ईस्वी में कब,
78 ईस्वी में ही इसने क्या किया, शक जो राजा थे, शक राजाओं को पराजित किया। ठीक, क्या किया इसने, शक राजाओं को पराजित किया और इसी साल से इसने शक संवत, इसी उपलक्ष में क्या किया, शक संवत प्रारंभ कर दिया। ये प्रश्न आया हुआ है कि शक संवत की शुरुआत किस राजा द्वारा की गई थी, किसने की थी, कनिष्क ने 78 ईस्वी से क्या किया, शक संबंध का शुरुआत कर दी, शक संबंध को प्रारंभ कर दिया। और इसी के साथ इसने देवपुत्र की उपाधि धारण की। समझ में आ गया, तीन चार घटनाएं देखी हमने कनिष्क के बारे में। सबसे पहला काम क्या था कि जैसे ही कनिष्क गद्दी पर बैठता है, अपना जो राज्य था उसको मथुरा से लेकर के कौशाम्बी, वाराणसी, विदिशा तक विस्तार करता है। दूसरा काम फिर इसके समय काल में क्या होता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति होती है, और ये होती है कहां पर, कुंडलवन में। कहां होती है, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होती है, और वहां पर इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, वसुमित्र। वहां विचारधाराओं का टकराव होता है, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक शाखा का नाम है हीनयान, दूसरी शाखा का नाम होता है महायान। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो दो धारा विचारधाराओं में बढ़ जाता है। फिर थर्ड जो घटना थी वो ये थी कि इसने जो उस समय छोटे छोटे कहते हैं ना रियासतों में बटे हुए थे शक, ठीक है, उन वो जो शक इसको निरंतर परेशान करते रहते थे, कहीं ना कहीं से हमला करते रहते थे, उनको पूरी तरीके से इसने खत्म करने का काम किया। और इसी उपलक्ष्य में कब, 78 ईस्वी या एडी हम जैसे कहते हैं, 78 ईस्वी में इसने शक संबंध का चलन जो है प्रारंभ कर दिया। क्लियर, तो किसने किया था, कनिष्क ने। क्यों किया था, क्योंकि शकों को उसने हरा दिया था। और इसी के उपलक्ष में ये अपने आप को देवपुत्र की उपाधि ले लेता है कि आज से मैं शकों को हराया, तो इसलिए मैं देवपुत्र हूं, या देवपुत्र की उपाधि मैंने धारण कर ली। ठीक है, क्लियर है। अब इसके समय में कुछ विद्वान थे, नाम लिखो उनके, ठीक है, इसी के समकालीन जो इसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के समकालीन विद्वान, दरबारी विद्वान, ठीक है, पहले जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था अश्वघोष, इन्होंने संत चरित्र बुद्ध इसकी रचना की थी। ठीक है, ये लाइनें अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और प्रश्न पूछे गए इनसे। अब देखो अपने आप में कितने क्वेश्चन बनेंगे इससे कि दरबारी, अब जैसे अश्वघोष, ठीक है, किस राजा या किस सम्राट के शासनकाल में थे, कनिष्क। ठीक है, प्रश्न पूछ लेगा बुद्ध या संत चरित्र बुद्ध की रचना किसने की थी, अश्वघोष। संत चरित्र बुद्ध की रचना जब अश्वघोष ने की, उस समय राजा कौन था, कनिष्क। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, इनको अंडरलाइन करके लिखना, जितना मोटा लाइन में अंडरलाइन कर सको कर लो, क्योंकि प्रश्न यहां से रिपीट होते हैं। दूसरे जो विद्वान थे वो थे इसके दरबार में चरक। कौन थे, चरक। एक किताब लिखी थी इन्होंने, कोई बता सकता है क्या था, चरक संहिता। क्या लिखी थी, चरक संहिता। और ये किस पर आधारित थी, चिकित्सा पर ये आधारित थी, चिकित्सा की शुरुआत कह सकते हैं हम इसे, किसने की थी, चरक ने। तो अपनी किताब लिखी थी चरक संहिता। ठीक है, उस समय MBBS करना होता था तो चरक संहिता को पढ़ना होता, समझ गए कि नहीं, अभी मेडिकल साइंस की किताब पढ़ते हैं, उस समय क्या था, चरक संहिता थी। क्लियर, थर्ड लिख सकते हो वसुमित्र, थर्ड लिखिए वसुमित्र, नहीं बची,
अगले कौन थे? पशुमित। ये एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर। इनका नाम सुना है क्या कभी? अभी तो सुना। कहां मिले थे? कुंडलवन में मिले थे ना। क्या करवा दिए थे इन्होंने? चौथी बौद्ध संगति करवा दी थी और बौद्ध धर्म को बटवा भी दिया था। ठीक है, इन्होंने नहीं बटवाया था, बाकी विचार नहीं मिले थे उनके आपस में, इसलिए। तो क्या नाम था? वशुमित्र, अश्वघोष, चरक, वशुमित्र। ठीक है, फोर्थ आते हैं नागार्जुन। कितने महान महान जो व्यक्ति थे इसके दरबार में भरे पड़े थे, तो समझ लो कि कैसे ये शक्तिशाली प्रताप ही नहीं होता है कि नहीं। राजा को बनाने और मिटाने का काम कौन करता है? ठीक है, जनता करती है, मंत्रीगण ही करते हैं उसके। ठीक है, ये चाहे तो सत्यानाश करा दें और ये चाहे तो उसको सम्राट बना दें, समझ गए। तो अगले कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारतीय आइंस्टीन इनको कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? अपने समय काल में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने? सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने अपने समय काल में प्रस्तुत किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? नागार्जुन। और इन्हें क्या कहा जाता? भारतीय आइंस्टीन। आप लोग देख सकते हो एक कॉमन चीज, आप जो मुख्य मुख्य चीजें होती हैं एक राजा के लिए वो सब था इसके पास। एक अच्छा हेल्थ मिनिस्टर था। ठीक है, मतलब समझने के लिए जो देखरेख करता था पूरी, उनका नाम था चरक। ये भी जरूरी पार्ट होता है। एक फिलोसफर भी चाहिए, एक दार्शनिक भी चाहिए। ठीक है, तो वो भी था इनके पास। कौन था? वशुमित्र। अब एक इंजीनियर भी बेहतरीन चाहिए। ठीक है, तो वो कौन थे? नागार्जुन थे। एक कौन बचे फिर? अश्वघोष। ठीक है, तो एक कोई ना कोई कवि और कोई ना कोई एक विद्वान, एक लेखक भी एक राजा को चाहिए जो कि विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर अपनी विचारधारा रख सके। ठीक है, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको किसी ना किसी तरीके से व्याख्या कर सके। तो वो कौन करते थे? अश्वघोष। इस तरीके से इन चारों का जो विद्वान थे इनका बहुत हाथ था कनिष्क को एक महाप्रतापी और शक्तिशाली राजा बनाने। क्लियर? ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। कल पढ़ेंगे गुप्त वंश। ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये सब देखेंगे हम कल। नहीं नहीं कल तो कंप्यूटर होगी ना, कंप्यूटर क्लास है। हाँ, तो फिर मंडे को देखेंगे। ठीक है, फिर मंडे को देखेंगे।